पूरे प्रदेश में यति नरसिंहानंद के बयान के बाद हड़कंप मच गया है। इस बयान को लेकर मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर हैं और महंत को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर अब सीएम योगी ने सख्ती दिखाई है। उत्तर प्रदेश में त्योहारों के दृष्टिगत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सीएम ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि किसी भी जाति, मत, संप्रदाय या मजहब से जुड़े हुए इष्ट देवी देवता, महापुरुषों अथवा साधु संतों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है। हालांकि सीएम योगी ने यह भी कहा कि विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी मत, मजहब, संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि महापुरुषों के प्रति प्रत्येक नागरिक के मन में कर्तव्यता का भाव होना चाहिए, लेकिन इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, जबरन किसी पर थोपा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे कानून के दायरे में लाकर कठोरता पूर्व सजा दिलवाई जाएगी। वहीं इतना ही नहीं, सीएम ने यहां तक कह दिया कि अगर किसी ने दुस्साहस किया तो कीमत चुकानी पड़ेगी, कानून के विरुद्ध कार्य करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं, बेटियों की सुरक्षा व सुविधा सुनिश्चित हो और सभी विभाग मिलकर काम करें। सीएम ने पुलिस को निर्देश दिए कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में फूट पेट्रोलिंग और पीआरवी 112 की पेट्रोलिंग तेज करें। मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए कि शारदीय नवरात्रि, विजयदशमी का पर्व पूरे हर्षोल्लास, शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल के बीच संपन्न हो। इसे प्रत्येक जनपद, प्रत्येक थाना को सुनिश्चित करना होगा। माहौल खराब करने वालों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई करें। कानून के विरुद्ध कार्य करने वालों के साथ सख्ती से निपटे। महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में फूट पेट्रोलिंग और पीआरवी 112 की पेट्रोलिंग तेज की जाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं, बेटियों की सुरक्षा व सुविधा सुनिश्चित होनी चाहिए, इसके लिए सभी विभाग मिलकर काम करें। दरअसल दासना देवी मंदिर के महंत और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद ने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। आरोप है कि इसमें उन्होंने एक धर्म विशेष को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस पर मुस्लिम समाज के लोगों में नाराजगी है। उन्होंने दशहरे पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला नहीं जलाए जाने की बात कहते हुए पैगंबर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। उनके इस बयान के बाद काफी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। हम ज्ञापन देना है जिलाधिकारी के महोदय को और जिला कमिश्नर महोदय को। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में एक गंदी सोच के इंसान ने गुस्ताखी करी है, तो हम मांग करते हैं जिलाधिकारी महोदय से, कमिश्नर महोदय से, कि उस पर NSC की कार्रवाई कर उसको तत्काल, बहुत जल्द से जल्द उसको जेल में डाला जाए। तो मुस्लिम समाज में, जिला गाजियाबाद ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में एक उबाल है। लोग रोष में हैं, लोग गुस्से में हैं कि हमारी जो जान, हमारी जो शान मोहम्मद साहब हैं, उनकी शान में ऐसी गुस्ताखी, ऐसी टिप्पणी कर रहा है, तो उसको फांसी की सजा दिलाई जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिसको लेकर अब सीएम योगी ने भी कड़े निर्देश दे दिए हैं। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही जुड़े रहें आपके अपने चैनल न्यूज़ पत्र के साथ।